हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने इकोनॉमिक्स की 9 AM की क्लास में। करने से पहले देखिए, ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्पेशल है, और इनका आप यूज कर सकते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करने के लिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। आगे देखिए, कुछ ट्रिप्स से रिलेटेड है। ट्रिप्स मतलब जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो ट्रेड की जो भी रेगुलेशंस है उनके बारे में हम लोग अब बात करेंगे कि क्या कुछ है हमारे इस सिस्टम में। जैसे हम लोगों ने देखा था जो हमारा GATT, GATT, GATT को रिप्लेस कर दिया गया था WTO से। क्यों रिप्लेस किया गया था? क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर की चीज मिसिंग थी जो कि हम लोगों ने ऐड कर दिया WTO में, टेक्सटाइल की चीज मिसिंग थी जो कि हम लोगों ने ऐड कर दिया अपने WTO में, और साथ में IPR की दिक्कत थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की दिक्कत थी, जो कि WTO में हम लोग अगेन इंक्लूड कर दिए। हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लिया, टेक्सटाइल में सच कुछ खास होता नहीं है तो समझ लीजिए आप नियर अबाउट एग्रीकल्चर जैसा ही होता है। IPR के बारे में बात कर लेते हैं और उसके लिए आ जाती है हमारी ट्रिप्स एग्रीमेंट। पहले डिस्कस करते हैं इसके बेसिक को, फिर इसके प्रोविजंस पे आएंगे। इट लेज डाउन लीगल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ कॉपीराइट राइट्स, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, पेटेंट, मोनोपोली ऑफ डेवलपर ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी, ट्रेडमार्क। इट ऑल्सो रेगुलेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर एंड इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स। वन बाय वन करके चीजों को देखेंगे क्या चीज है। अब जैसे हमारे पास बहुत तरीके की चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वन बाय वन करके मैं सबके एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लेते हैं मोबाइल है, मोबाइल में कई तरीके के पेटेंट होते हैं। एक पेटेंट होता है इसकी शेप का, शेप का। जैसे मान लेते हैं कि आईफोन है, आईफोन अपने ब्रांड के लिए जाना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सैमसंग ने क्या किया था, नियर अबाउट 2011 या 12 की बात है, इन्होंने अपना एक मोबाइल निकाला था सैमसंग एस। इसका जो इन्होंने शेप दिया था, मतलब जो कर्व दिए थे, वो पूरा का पूरा आईफोन टाइप का दिया था। आईफोन ने फिर इनके ऊपर केस कर दिया कि आपने हमारा डिजाइन चुरा लिया है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट सैमसंग ने कहा कि यार चलो केस लेकर के चलो अपने इंटरनेशनल कोर्ट में। सैमसंग ने वहां पर आईफोन को बोला कि देखिए आपका जो मोबाइल का, सपोज दिस इज अ मोबाइल, और आपका जो यहां पर कर्व दिया है उसका एंगल अगर मान लीजिए कि 80 डिग्री है तो हमारा एंगल 78 डिग्री है। कहां से हमने कॉपी कर लिया है, हमारा एंगल ही डिफरेंट है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो होता है कंपनसेशन ले दे करके मामला सुलझा दिया गया था। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है एक तरीके का पेटेंट, जहां पर शेप को लेकर के बेसिकली पहला पेटेंट हो जाता है, पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ जाती है। तो फर्स्ट थिंग मोबाइल में शेप को लेकर के होती है। दूसरी होती है मोबाइल के अंदर जो पैनल रखा हुआ है, पैनल का मतलब जो सर्किट है, इस सर्किट का भी अपना एक पेटेंट होता है, किस तरीके से सर्किट बनाई गई है। तो बेसिकली मोबाइल में ही हम लोग देख रहे हैं दो तरीके का पेटेंट आ गया, वन इज शेप एंड सेकेंड वन इज सर्किट। इसके अलावा देखिए, कोई मान लेते हैं जैसे शैंपेन है, शैंपेन, ये शैंपेन केवल और केवल फ्रांस में नाम रख सकते हैं शैंपेन। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि शैंपेन उनकी विलेज का नाम है और उन्होंने वहां पर अपने विलेज के नाम पर IPR ले रखा है, ज्योग्राफिक इंडिकेटर लेके रखा हुआ है। एक तीसरे टाइप की भी हो सकती है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जैसे लोगो है, तो लोगो हो गया किसी कंपनी का, लोगो हो गया वो कंपनी, जैसे ह्यूंडई का आपने देखा होगा कि दो बंदे इस तरीके से हाथ मिलाते हुए रहते हैं, तो ये ह्यूंडई है। इन्होंने अपने लोगो का क्या करा होगा, पेटेंट किया होगा। इसके पेटेंट को बोला जाता है कि इन्होंने ट्रेडमार्क लेके रखा हुआ है, दिस इज ट्रेडमार्क। बुक आप लोग पढ़ते होंगे, बुक पे आपको लिखा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब यू कैन नॉट कॉपी इट, यू कैन नॉट कॉपी एंड सेल इट एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, ठीक है। हालांकि आप जो होता है उसको जीरोक्स वगैरह करा सकते हैं, हाईकोर्ट का निर्देश है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बुक्स की मतलब एग्जैक्ट कॉपी आप सेल नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉपीराइट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीजें हो जाती हैं और वही चीज हम लोग यहां पर आप डिस्कस कर रहे हैं। वन इज पेटेंट, जहां पर आपने पेटेंट लेके रखा हुआ है। पेटेंट जो है ड्रग्स का भी होता है, ड्रग्स का मतलब कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स, कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स, ये हो गया जो पेटेंट है। सिमिलरली जैसे मैकडी हो गई या फिर हमारी जो KFC हो गई, इन्होंने अपने रेसिपी का, अपने कह लीजिए कि कंपोजिशन का, किस तरीके से इसको बनाना है, उसका भी इन्होंने पेटेंट लेके रखा हुआ है। जैसे मैगी है, मैगी में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तब जाकर के वो मैगी तैयार होगी, उसका भी एक पेटेंट है। रेडबुल है, रेडबुल में क्या कंटेंट, क्या मिलाने वाले हैं, इसके भी अपनी एक पेटेंट है। तो ये सब बेसिकली पेटेंट में चला आ रहा होता है, और इस तरीके से आप कभी उस चीज को कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो इट मे बी ग्रांटेड फॉर न्यू यूजफुल नॉन ऑब्वियस इन्वेंशंस
एंड गिव पेटेंट होल्डर एन एक्सक्लूसिव राइट टू कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट द इन्वेंशन ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कॉपीराइट क्या होती है? कॉपीराइट इट इज गिवन फॉर क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक वर्क, जैसे बुक हो गया, मूवी हो गई या म्यूजिक हो गया. एंड गिव्स कॉपीराइट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू कंट्रोल रिप्रोडक्शन अडॉप्शन ऑफ सच वर्क. तीसरी होती है ट्रेडमार्क, इट इज अ डिस्टिंक्टिव साइन, लोगो वगैरह, विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ डिफरेंट बिजनेस, जैसे एडिडास हो गया, ये सब चीजें. नेक्स्ट होती है इंडस्ट्रियल डिजाइन, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अपीयरेंस स्टाइल डिजाइन, जैसे कि मोबाइल वाला हम लोगों ने बात कर लिया. तो बेसिकली यही इतने टाइप के हमारे कॉपीराइट होते हैं. क्वेश्चन ये उठता है कि कॉपीराइट दिया क्यों जाए. अब देखिए, मान लेते हैं अगर कॉपीराइट आप नहीं दे रहे हैं, सपोज कोई एक कंपनी है, इस कंपनी ने ऑब्वियसली कुछ पैसे खर्च करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके तब जा करके एक अपना डिजाइन पे आई होगी, या तो या अपने ड्रग्स को बनाई होगी, या अपना क्यूजीन बनाई होगी, या फिर कुछ इस तरीके की चीजें बनाई होंगी. रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में ऑब्वियसली इनका पैसा लगेगा, मान लेते हैं एक करोड़ रुपए लगा. और डिजाइन अल्टीमेटली जो तैयार हो रही है, मतलब इस डिजाइन को तैयार करने में जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स और जितने भी कंपोनेंट लग रहे हैं, वो केवल और केवल 1 लाख के लग रहे हैं. तो अब कंपनी क्या करेगी, अपने इस 1 करोड़ का जो भी खर्चा आया है, वो ऑब्वियसली इसमें कुछ कुछ ऐड करते जाएगी. तो ये जो 1 लाख का प्रोडक्ट है, हो सकता है वो 1.5 लाख में बिके, और वो कोशिश करेगी 50-50 हजार रुपए ले लेकर के 1 करोड़ रुपए को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी. क्यों? क्योंकि इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है. अब एक और कंपनी आ जाती है जो कॉपी पेस्ट वाली है, उसने क्या किया, इसके प्रोडक्ट को परचेज किया और इसके प्रोडक्ट में जो जो चीजें लिखी थी सेम बना बना करके इसने 1 लाख रुपए में पूरा का पूरा आइटम तैयार कर लिया. अब इसने कोई R&D तो किया नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 1 लाख रुपए पे मान लेते हैं कि 1 रुपए और प्रॉफिट मार करके टोटल रोटे 1 लाख 1 रुपए में बेचना शुरू कर दिया अपना जो भी प्रोडक्ट है. ऑब्वियसली इसको कोई नहीं परचेस करेगा, सब लोग इसको परचेस करेंगे. लेकिन ये आया कहां से, ये आया इनकी मेहनत के कारण से. तो इस वजह से इनकी मेहनत के कारण से इनको रिम्यूनरेशन देना जरूरी है, और इस वजह से IPR का कंसेप्ट सामने आया, ट्रिप्स का एग्रीमेंट सामने आया, पेटेंट की पूरी इश्यू सामने आई. क्लियर हो गया क्या है कि पेटेंट आया क्यों, दिया क्यों जाए, क्या करने के लिए. चलिए खैर, अब देखिए एक और इश्यू छोटा सा डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर, और जेनरिक ड्रग के बारे में बात कर लेंगे. जैसे क्या होती है, मान लेते हैं जैसे इस समय कोविड फैला हुआ है, COVID-19, ड्रग्स के बारे में बात हो रही है. अब ड्रग्स में ऑब्वियसली हर एक कंट्री क्या कर रही है, अपना अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में सर लोग अपना अपना पैसा लगा रहे हैं. ऑब्वियसली पैसा लगाने मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए और अल्टीमेटली जो है एक हमारे पास ड्रग्स बनकर के तैयार हो गई. अब देखिए ड्रग्स बनने में ऑब्वियसली कैल्शियम लगेगा, सल्फेट लगेगा, कार्बोनेट लगेगा, ऑक्साइड लगेगा, कुछ भी लगेगा इस तरीके से मान लेते हैं कंपोनेंट लगेगा. तो ऑब्वियसली जो ड्रग की वैल्यू होगी, वो ड्रग की वैल्यू 50 पैसे से बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत ही होगी तो 50 पैसा होगी, 1 रुपए हो जाएगी अधिक से अधिक. लेकिन इसकी ड्रग जो बिकेगी वो बिकेगी कुछ नहीं तो 4,000 से 5,000 रुपए में. मतलब 50 पैसे की चीज 5,000 रुपए में बिक रही है. क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब यह है कुछ एडिशनल प्राइस यहां पर ऐड किया गया है, और वो एडिशनल प्राइस क्या है, यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चीज हुई है. तो ऐसे तो क्या होगा कि गरीब आदमी कभी पा ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम में चला जाएगा. कुछ दवा आपने देखी होगी पैरासिटामोल टाइप की, जो एक पत्ता 20 रुपए मिल जाता है, और कभी कभी सेम कंपोजिशन सेम चीज की दवा देखेंगे आप 20 रुपए में एक टैबलेट मिल रही होती है. इसमें क्या इशू है? देखिए यहां पर इशू आता है जेनेरिक ड्रग का, जेनेरिक ड्रग. अब ये क्या चीज है, जब भी पेटेंट दिया जाता है तो उसकी एक टाइम पीरियड होती है. टाइम पीरियड का मतलब जैसे 20 ईयर्स, ड्रग्स के केस में होता है 15 ईयर्स एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, अपना ड्रग्स बनाई है. तो उनको बोल दिया जाएगा कि ऐसा है 15 साल तक आप वसूलिएगा 5 साल एक्सटेंशन के साथ. 15 साल ये फ्री में, मतलब फ्री का मतलब अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा लगाए उसको ऐड करके मार्केट में अल्टीमेटली बेचना शुरू करेंगे, और अपने उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो भी अमाउंट है उसके पैसे को वसूलना शुरू कर देंगे. अगले 5 साल गवर्नमेंट आपको केवल एक चांस देती है कि आप एक नया पेटेंट लेकर के आइए, नई ड्रग लेकर के आइए, ताकि आपको एक नया पेटेंट दिया जा सके. और 20 साल के बाद जो दवा, ये 50 पैसे की दवा जो 5,000 रुपए में बिक रही थी, वो अब 50 पैसे की हो जाएगी 20 साल के बाद. क्यों? क्योंकि इनका अब पेटेंट खत्म हो गया है, अब ये दवा जनरल दवा बन गई है, अब इसको कोई भी बना सकता है. यानी अब ये बन गया पैरासिटामोल टाइप का, कि आपकी 20 रुपए में एक टैबलेट नहीं, 20 रुपए में पूरा का पूरा एक पत्ता ही आपको मिल जाएगा, 10 टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी.
तो ये इस तरीके की जो जनरल हो जाती है, जनरल ड्रग हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक ड्रग। यही कारण है कि जेनेरिक ड्रग काफी ज्यादा सस्ती मिल रही होती है। चलिए खैर, समझ में आ गया क्या चीज है। ओके, पेटेंट इज एन इंसेंटिव टू इनोवेट इन्वेंट एंड दस सस्टेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। इन रिटर्न फॉर द पेटेंट इन्वेंटर ऑफर द नॉलेज विद कमर्शियल यूज टू पुट इन पब्लिक डोमेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट। चलिए खैर, अंडर WTO पेटेंट्स कैन बी ग्रांटेड फॉर प्रोसेस और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पेटेंट प्रोवाइड फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एग्जॉशन ऑल प्रोसेसेस दैट मे लीड टू द प्रोडक्ट, वेयर एज प्रोसेस पेटेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अंडर ट्रिप्स ओनली प्रोडक्ट पेटेंट मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड दिस पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए वैलिड हो जा रहा होता है। एक और इशू यहीं पर आता है, पेटेंटिंग ऑफ पेटेंट के बारे में ये भी समझ लीजिए क्या चीज है। पेटेंटिंग ऑफ पेटेंट का मतलब, पेटेंटिंग ऑफ पेटेंट का मतलब ये है कि जैसे 20 ईयर के लिए दिया जाता है, 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। जनरल के बाद क्या होगा, अब इनको कंपनी वालों को पैसा तो मिल नहीं पाएगा। अब ये कंपनी वाले क्या करते हैं, जनरली यूएस में यही चीज होती है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो होता है कोई एक ड्रग बनाई गई, ड्रग का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ड्रग बनाई गई जिसमें कैल्शियम सल्फेट और मान लेते हैं कि कार्बोनेट मिल रहा है। सपोज 20 ग्राम कैल्शियम है, 30 ग्राम सल्फेट है और 2 ग्राम मान लेते हैं कि कार्बोनेट है। इसको बनाने के बाद हेडेक की, सरदर्द की एक दवा जो होती है वो बनकर के तैयार हो गई है। अब ऑब्वियसली क्या है, इसका वो मार्केट में अपना सेलिंग करेंगे और इस कंपोजिशन को लाने में जितना भी पैसा इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया है उसके थ्रू ये कंपनी पैसा कमाने की कोशिश कर रही होगी। अब जब ये 15 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट इनको 5 साल वाला फंडा दे देगी, लो भैया तुम अपना बताओ क्या करना है आगे। तो अब आगे करने के लिए कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी तो कंपनी है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगी। ये कहेगी यार हम रिसर्च कर रहे हैं अपना, तो रिसर्च क्या कर रही है, वो बेवकूफ बना रही है। 20 ग्राम को ये कर देंगे 20.1 ग्राम, 30 ग्राम को ये कर देंगे 30.1 ग्राम और 2 ग्राम को कर देंगे 1.91 ग्राम। बताइए कोई कंपोजिशन में अंतर आया क्या, एज सच नहीं, लेकिन पेटेंट तो नया हो गया, ये तो नई रिसर्च हो गई, हेडेक की नया दवा निकल के आ गया, ब्रांड बदल गया, नाम बदल गया, पेटेंट मिल गया। तो बेसिकली इन्होंने कुछ खर्चा नहीं किया, इन्होंने बस खेल गए ये मैथ्स के साथ। और इस तरीके की जो चीज होती है उसको बोला था पेटेंटिंग ऑफ पेटेंट, कि पेटेंट का ही आप फिर से पेटेंट रिन्यूएबल करा ले रहे हैं। और इस तरीके की जो चीज होती है उसको बोलते हैं पेटेंटिंग ऑफ पेटेंट। जनरली यूएस में बहुत ज्यादा ये काम हो रहा होता है, इंडिया में इस चीज को माना नहीं गया है। इंडिया में बोला गया है कि अगर आपकी जो रिसर्च है वो नई रिसर्च है, फ्रेश रिसर्च है, देन ओनली पेटेंट विल बी गिवन, अदरवाइज पेटेंट नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। चलिए खैर, इसके बाद आगे आता है कि फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट प्रोडक्ट पेटेंट हैव द पोटेंशियल टू रेज प्राइस, सेफगार्ड हैव बीन बिल्ड इन द स्ट्रिप्स एग्रीमेंट कॉल्ड पैरेलल इंपोर्ट एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो बेसिकली यहां पर दो चीजें हैं, एक है बेसिकली आपका रिलेटेड टर्म पैरेलल इंपोर्ट और दूसरा है कंपलसरी लाइसेंसिंग। एक एक को फटाफट डिस्कस करते हैं। पैरेलल इंपोर्टेशन का मतलब क्या है, इट इज इंपोर्टेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को इंपोर्ट करना एट अ लोअर प्राइस टू मीट अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इफ कंपनी होल्डिंग द पेटेंट इज अनविलिंग टू प्रोवाइड द पेटेंटेड ड्रग एट लोअर प्राइस। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल इंपोर्टेशन। तो इंपोर्ट पैरेलली हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं जो हमारी लोअर प्राइस हो रही होती है। तो सच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यहां पर बताने की कोई सच जरूरत नहीं है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फेसिंग हेल्थ क्राइसिस कैन आस्क फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ड्रग इन द कंट्री एट कंसेशनल प्राइस बेस्ड ऑन ए कंपलसरी लाइसेंस दैट इट इश्यूज। दिस अलाउज जेनरिक कॉपीज ऑफ ए पेटेंटेड प्रोडक्ट टू बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली विद कंपनसेशन पेड टू द पेटेंट होल्डर। और यही चीज होगी हमारे इस कोविड के केस में। इस कोविड के केस में किया क्या जा रहा है, जरा फिर से एक बार और ध्यान से सुन लीजिए क्या चीज है। जैसे मान लीजिए कोई ये कंपनी अपना पैसा लगा करके अल्टीमेटली वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, गवर्नमेंट बोलती है कि यार देखो तुम जो भी चीज निकल के लाओगे यहां से, जो भी पैसा लेकर के आओगे, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद तुम्हारी जो भी ड्रग आएगी वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा महंगी आएगी। वी वॉन्ट दिस ड्रग टू बी एज चीपर एज इट कैन बी। तो अब करेगी क्या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहेगी देखिए आपको इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही ना कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनी वाले बोलेंगे हाँ, कहेंगे ठीक है तुम एक काम करो ड्रग बनाओ, ड्रग बनाने के बाद मेरे से मिलना। ड्रग बन गई मान लेते हैं, कंपनी वाले आए मिलने, कहे कि ऐसा है कंपनसेशन कितना तुमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा, इन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए लगा है। गवर्नमेंट तुरंत के तुरंत 2 करोड़ रुपए इनको देगी और कहेगी कि अब ड्रग पे आपकी कोई पेटेंट नहीं है, हम ड्रग को जेनेरिक ड्रग बना करके बेचेंगे। जेनेरिक ड्रग बनाकर बेचेंगे क्यों, क्योंकि अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो रखी है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी,
और इस तरीके की जो चीज होती है उसी को बोलाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। क्लियर हो गया क्या चीज है कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब? चलिए खैर आगे, नेक्स्ट हमारी आती है काउंटरफिटिंग ट्रेड एग्रीमेंट। काउंटरफिटिंग ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इट इज अ मल्टीनेशनल ट्रीटी फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट। तो कुछ खास है नहीं, बस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है कि काउंटरफिटिंग क्या होती है। काउंटरफिटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? फेक फॉर्मेट, कोई भी उसका कॉपी वर्जन निकालना, और इसी कॉपी वर्जन का एंटी निकालना, यही हो जाता है ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है जो कि मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। इट एम, इसका काम क्या है? इट एम टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर टारगेटिंग काउंटरफिट गुड्स। जो भी फेक चीजें बनाई जाएंगी, जो कि कॉपीड चीजें बनाएंगी, उनका एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाना। जैसे जेनरिक मेडिसिन हो गई, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया इंटरनेट पे, एंड वुड क्रिएट अ न्यू गवर्निंग बॉडी आउटसाइड एग्जिस्टिंग फोरम सच एज WTO। वीपो बनाया गया है, वीपो का मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनाया गया था 2011 में, जहां पर WTO से रिलेटेड जितने भी मतलब कि IPR से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी की सारी इस संस्था में आ जाएंगी। तो बस इसमें कुछ खास नहीं है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। सिव जनरिस का मतलब क्या होता है? सिव जनरिस का मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है, लॉ के टर्म में ज्यादा इसको यूज किया जाता है। सिव जनरिस का एक्चुअल मीनिंग होता है अपना खुद का, इंडिजिनस चीज जो होती है उसको बोलते हैं सिव जनरिस। मतलब क्या है? या तो आप पेटेंट के लिए इंटरनेशनल नॉर्म को फॉलो करिए, या तो आप अपना खुद का बनाइए। WTO में हम लोगों ने बात किया था कि जब भी कोई भी नॉर्म ऐसी रहेगी जो आपके कंट्री की खुद की रहे और इंटरनेशनल के साथ क्लैश अगर आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको एक सिंक बनाने की जरूरत है। कंट्री की नॉर्म शुड बी इन सिंक विद WTO नॉर्म। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट प्रोवाइड सिव जनरिस ऑप्शन, ट्रिप्स जो होती है वो सिव जनरिस ऑप्शन प्रोवाइड कर रही होती है पेटेंट के लिए। इसका मतलब क्या है कि जनरेटिंग बाय इटसेल्फ और ऑफ इटसेल्फ, अपना खुद का, इट मींस दैट दे कैन प्रोटेक्ट इन्वेंशन ईदर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप्स, या फिर अपने खुद के बेसिस से आप किसी भी तरीके से पेटेंट को, किसी भी तरीके से न्यू इन्वेंशन को आपको प्रोटेक्ट करना ही करना है। तो बेसिकली नॉर्म्स के बारे में है। एक और छोटी चीज आ जाती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। हालांकि इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो भी देखा है, क्योंकि अभी रिसेंट में कई लोगों को मतलब जैसे मणिपुर की ब्लैक राइस को हो गया, गोरखपुर की टेराकोटा का हो गया, फिर सिमिलरली कर्नाटक की मिठाई हो गई, तो इन लोगों को अभी रिसेंट में ज्योग्राफिक इंडिकेटर दिया गया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी वीडियो को जाके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन आपके फायदे के लिए है। दीज आर सम ऑफ द गुड्स That owe their properties, जो special quality और reputation उस जगह के कारण से हो रही होती है, to the region in which they originate and nurture. Such product are given geographic indication. GI is used to identify agricultural, natural or manufactured goods. There are a number of benefits that GI confers on a particular good. कुछ important चीजें होती हैं, जैसे it confers legal protection, legal protection होता है, prevent authorized, unauthorized use of registered GI by others. It provide legal protection. To this in turn boost export and it promotes economic prosperity of producer. तो ये चीज बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं। GI generally is not awarded to an individual. It is given for a period of 10 year and may be renewed for another 10 year on expiry. GI prevent spurious goods from entering the market. It helps maintain quality and there is greater accountability to it boost export. तो बस कुछ खास नहीं है, आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर क्या होती है, आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। सपोज यूएस ने क्या किया था, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी, जो कि इंडिया से जो भी गुड आ रहा था, जो भी चीजें आ रही थी, वीट प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहा था, तो उसको यहां से यहां पर इंडिया में आने के लिए रोकने के लिए इन लोगों ने अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, कोटा निर्धारित किया था, या फिर जो है इनका एक कह लीजिए ड्यूटी बढ़ा रखी गई थी। एंड दिस इज डेवलप्ड नेशन, ये जो है वो डेवलप्ड नेशन है, ये काम ऐसा कर नहीं सकता है क्योंकि इनको SSM नहीं दिया गया है, SSM केवल और केवल इंडिया को दिया गया है। तो ये काम, ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, ये नहीं कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, अब जैसे ही आएगा फाइट, ये वाला जो प्रोडक्ट आएगा वैसे ही कह देगा मतलब पोर्ट पे ही, जहां पर भी चीजें गिरेंगी, जहां पर भी गुड्स आएंगे, तुरंत ही बोल देगा कि यहां पर जो होता है फाइटोसैनिटरी मतलब कि हेल्थ इश्यूज है इस प्रोडक्ट को हमें लेने में, अगर हम ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे यहाँ की जनता को हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया वाले जो होते हैं वो सैनिटरी मेजर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या है, WTO बोलता है कि ऐसे वक्त में हमें जो भी गुड्स आए हैं उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द सैनिटरी प्रिंसिपल, और यही है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर WTO दैट एम्स टू सेट कंस्ट्रेंट्स ऑन मेंबर और
ऑन मेंबर स्टेट्स पॉलिसीज रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी बैक्टीरियल पेस्टिसाइड इंस्पेक्शन एंड लेबलिंग एज वेल एज एनिमल और प्लांट हेल्थ. तो ये चीज जो होती है वो फाइटोसैनिटरी मेजर के अंतर्गत आ जाती है एंड दिस इज एक्सेप्टेबल नॉर्म. ये एक्सेप्टेबल है. इसके बाद देखिए हम लोग गैट्स पे आ जाते हैं. गैट्स का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोगों ने बेसिकली अभी तक जितनी भी बातें की थी वो बेसिकली गुड्स पे बातें की हैं. वो गुड्स हो सकता है एग्रीकल्चर को लेकर के, वो गुड्स हो सकता है टेक्सटाइल को लेकर के, और वो गुड्स हो सकता है आईपीआर को लेकर के. लेकिन जब हम सर्विस के बारे में बात करेंगे तो सर्विस के लिए हमें सेपरेट एक अलग से एग्रीमेंट पास करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस. क्लियर. तो इट इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट गवर्न ट्रेड इन सर्विस अमंग डब्ल्यूटीओ मेंबर्स. गैट्स कवर फोर मोड्स ऑफ सप्लाई फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस इन इंटरनेशनल ट्रेड. चार तरीके की चीजें होती हैं. कौन कौन से तरीके की चीजें हैं वन बाय वन करके जरा देखते हैं. सबसे पहले हमारी है मोड वन. मोड वन का मतलब होता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई. सेकेंड मोड होती है कंजम्पशन अब्रॉड. तीसरी होती है कॉमर्शियल प्रेजेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन. अब ये है क्या जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की इसको कोशिश करते हैं. देखिए जैसे अगर बात करें मोड वन के बारे में, यहां पर क्या होगा, अलग अलग तरीके की ये बेसिकली सर्विसेज हैं. ये सर्विसेज हैं कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मोड वन में अगर बात करें तो देखिए ये है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई. क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का मतलब क्या है, दो कंट्री ले लेते हैं, एक कंट्री मान लेते हैं इंडिया ले लेते हैं और दूसरी कंट्री मान लेते हैं यूएसए ले लेते हैं. ठीक है. तो यहां पर होगा क्या, मोड वन में क्या होगी, सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर. मतलब क्या है, देखिए सर्विस जो है वो दी जा रही है, मान लेते हैं इंडिया के द्वारा सर्विस दी जा रही है तो ये सर्विस दे रहा है और यूएसए वाला सर्विस एक्सेप्ट कर रहा है. तो डिलीवर दी कहां जा रही है, इंडिया में ही ऑफिस बना है और वहीं से सर्विस दी जा रही है फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ अदर अनदर मेंबर. तो यहां पर सर्विस लेने वाले जो लोग हैं यूएस वाले हैं लेकिन सर्विस ले रहे हैं वो दूसरे कंट्री में प्रेजेंट मेंबर से. जैसे कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर होती है वो क्या करती हैं, फोन पे. अब जैसे क्या है, मान लीजिए यूएस की कोई कंपनी है वो इंडिया के किसी बीपीओ को हायर कर ली और कही है कि ऐसा है तुमको यूएस में आने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉल डिटेल्स मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, यू हैव टू जस्ट कॉल. तो बेसिकली इस यूएस ने सर्विस किसकी ली, इंडिया में प्रेजेंट मेंबर की. क्या इंडिया वाले मेंबर को यूएस आना पड़ा, नहीं आना नहीं पड़ा है, डिटेल्स उन्होंने सेंड कर दी और इस तरीके से चीजें आना शुरू हुई है. तो बेसिकली यहां पर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हो रही है, क्रॉस बॉर्डर चीजें हो रही हैं. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि जैसे बीपीओ वगैरह हो जाती है वो कॉल सेंटर्स वगैरह हो जाती हैं, वो ये हो जाती है हमारी मोड वन टाइप की सर्विस. दूसरी होती है जिसको बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड. इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन अब्रॉड का मतलब जैसे सर्विस डिलीवर्ड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ मेंबर, मतलब कि इसके टेरिटरी के बाहर सर्विस दी जाएगी इन द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर टू अ सर्विस कंज्यूमर ऑफ द मेंबर. तो जहां का कंज्यूमर है वहीं पर वो चीजें हो रही है. जैसे एजुकेशन और टूरिज्म, मान लेते हैं कि इंडिया के किसी एक बंदे को एजुकेशन लेना है तो लेना किसको है, इंडिया के बंदे को. सर्विस कहां पे, यूएस में. जाना कहां पड़ेगा, यूएस में. यूएस में जाकर के वहां पर फिर अपनी सर्विस को अवेल कर सकते हैं. तो सर्विस डिलीवर की जा रही है आउटसाइड द मेंबर ऑफ ए टेरिटरी ऑफ ए मेंबर, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ ए मेंबर, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडियन मेंबर इज द टेरिटरी ऑफ अनदर मेंबर, की अंदर द यूएस की टेरिटरी के अंदर में एंड द टू ए सर्विस कंज्यूमर ऑफ द मेंबर. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो यहां पर हो जाती है जैसे टूरिज्म हो गया, ठीक है, टूरिज्म हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं एजुकेशन हो गया. तो दोनों के दोनों एक ही तरीके की चीज हो जा रही होती है. या फिर मेडिकल बेनिफिट्स हो गई, ये भी हो जाएगी मेडिकल बेनिफिट्स. क्लियर. मोड थ्री में होती है कमर्शियल प्रेजेंस. कमर्शियल प्रेजेंस का मतलब ये हो गया कि नाउ द कंपनी इज कमिंग, कंपनी आ रही है और अपना काम कर रही है. जैसे सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर थ्रू द कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ ए सप्लाई, कमर्शियल प्रेजेंस हो जाएगी. जैसे एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, जैसे मान लेते हैं एलजी है, साउथ कोरिया की कंपनी इंडिया में आकर के काम कर रही है तो कमर्शियल प्रेजेंस है इस कंपनी का यहां पर. या फिर सब्सिडियरी को एस्टैब्लिश कर देना, ये हो गई इनकी खुद की सर्विस. क्लियर. चौथी होती है जब प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, खुद ही बंदा आ गया, मतलब खुद ही कंपनी ही आ गई, सब कुछ यहीं पर आ गया. इसको बोलते हैं जैसे जो डॉक्टर्स हो गए, जो इंजीनियर्स हो गए, ये क्या है, खुद ही आए यहीं पर अपना सारा का सारा काम धंधा खोलना शुरू करते रहे. इनको दूसरे कंट्री मतलब अपनी पैरेंट कंपनी से कोई मतलब नहीं है. तो सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर विद सप्लायर प्रेजेंट एज अ नेचुरल पर्सन. क्लियर हो गया क्या चीज है.
तो देखिए यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज भले कॉम्प्लेक्स है बट चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझना है आसानी से। समझ में आ गया? नाउ द कुछ ड्यूटीज वगैरह है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे फटाफट देखते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी। मैंने आप लोग को बताया कि एसएसएम मैकेनिज्म होता है जहां पर सेफगार्ड मैकेनिज्म लिया जा रहा होता है। सेफगार्ड मैकेनिज्म के दौरान मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोज कर सकती है कौन, डेवलपिंग कंट्री वाले। अब देखिए डेवलपिंग कंट्री में जो ऑब्वियसली इंपोर्ट आएगा, सपोज मान लेते हैं कि हमारी डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी है, तो दिस इज इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री, दिस इज डेवलपिंग, ठीक है। यहां से इंपोर्ट आ रहा है, इंपोर्ट आएगा तो दो तरीके से आएगा, एक मान लेते हैं कि फ्रांस से आ रहा है और दूसरा मान लेते हैं कि चाइना से आ रहा है। फ्रांस में मान लेते हैं कोई एक मान लेते हैं कि पेंसिल बनाई गई है, पेंसिल बनाए जाने की इनकी जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट आ रही है मान लेते हैं एक रुपए कॉस्ट आ रही है। पेंसिल चाइना में बनाने वाले की भी मान लेते हैं कॉस्ट एक रुपए ही आ रही है, सपोज एक ही रुपए आ रही है। जैसे ही इंडिया में एंटर करेगा, यहां पर पहले चाइना को बताना पड़ेगा कि इनकी एमआरपी कितनी है, फ्रांस को बताना पड़ेगा कितनी एमआरपी है। इन्होंने अपनी एमआरपी बताई कि यार देखो मेरा एक रुपए प्रोडक्शन में लग रहा है, हम एक रुपए ही तुमसे लेंगे। चाइना ने बोला कि यार प्रोडक्शन में पता नहीं कितना लग रहा है लेकिन मैं बेचूंगा इसको 0.5 रुपीज में मुझे बेचना है। 0.5 रुपीज इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने 0.5 रुपीज छिपा लिया एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इंडिया को पता नहीं कितना पैसा लगा चाइना में, वैसे ही जो होती है चीजें छिपाई जा रही होती है। इंडिया ने कहा कि देखो यार हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी 10% पहले लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद में यहां पर, यहां देखिए नीचे देखिए, फ्रांस की है, दिस इज फ्रांस, नीचे वाला चाइना है, ये एक रुपए में बेचा है, ये 0.5 रुपीज में बेचा है। इंडिया में जैसे ही आएगा कस्टम ड्यूटी लग जाएगा, कस्टम ड्यूटी होती है 10% लगेगा, तो मतलब इसकी प्राइस कितनी हो गई 1.01, यहां पर कितनी हो गई 0.505। थोड़ा सा अच्छा फिगर ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी क्या चीज है। फ्रांस में मान लेते हैं 100 रुपए में बिक रहा है कोई चीज और चाइना में बिक रहा है मान लेते हैं 50 रुपए में, 10% कस्टम ड्यूटी लग गई है तो ये बन गया हमारा 110 रुपए, 10% कस्टम ड्यूटी लगने के बाद ये बन गया 55 रुपए, ठीक है, क्या चीज है। इंडिया के मार्केट में मान लेते हैं कि कोई एक सामान बिक रहा है, यही जो प्रोडक्ट आ रहा है मान लेते हैं पेंसिल ही जो बिक रहा है वो इंडिया में बिक रहा है 100 रुपए में, 100 रुपीज में, तो 100 रुपीज में बिकने के कारण से होगा क्या, ना तो फ्रांस वाला इंडिया वाले को बचा रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और ना चाइना वाला, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चाइना वाले प्रोडक्ट फटाफट खरीदना शुरू हो जाएंगे। मान लेते हैं यही प्राइस इंडिया में 200 रुपए है, 200 रुपए अगर है तो ऑब्वियसली अब फ्रांस वाला भी बिकना शुरू हो जाएगा और चाइना वाला भी बिकना शुरू हो जाएगा और इंडिया वाला प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला है क्योंकि बहुत महंगा है। अब इसमें होगा क्या, इंडिया अपने डोमेस्टिक प्लेयर को बचाने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म लगाना शुरू कर देगा। सेफगार्ड मैकेनिज्म लगाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाना शुरू कर देगा। इस एक्स्ट्रा ड्यूटी को बोला जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग उस समय लगाया जाएगा जब इन्होंने अपनी प्राइस सही सही बताई होगी, किसी तरह का ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं किया होगा। एडीडी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी तब बोली जाएगी जब अपने प्रोडक्शन को इन्होंने गलत तरीके से बताया होगा, इन्होंने प्राइस कुछ और प्रोडक्शन की रही होगी और एक्चुअल प्राइस कुछ और बताया जाएगा, लेकिन दोनों का नेचर सेम है, नेचर सेम है। नेचर सेम का मतलब क्या है, 110 वाले पर भी कुछ टैक्स पड़ेगा और इसको भी 200 के पैरिटी में लाया जाएगा, 55 वाले पे भी टैक्स पड़ेगा और इसको भी 200 के पैरिटी में लाया जाएगा। ऑब्वियसली इन दोनों में टैक्स किसका ज्यादा रहेगा, एंटी डंपिंग ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मेनी कंट्रीज सब्सिडाइज देयर प्रोडक्ट एंड मेक देम चीप टू बी एक्सपोर्टेड, इन सच केस इंपोर्टेंट कंट्री कैन टेक द रिसोर्स टू काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जैसे इंडिया लिया। दस काउंटर वेलिंग ड्यूटी आर एंटी सब्सिडी ड्यूटीज, दीज आर इंपोर्टेड ड्यूटीज टू न्यूट्रलाइज द निगेटिव इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज। डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज रिकमेंड द ड्यूटी बट फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपोजेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिकमेंड कौन करता है और इंपोज कौन करता है। सिमिलरली एंटी डंपिंग ड्यूटी है, डंपिंग इज द एक्ट ऑफ चार्जिंग अ लोअर प्राइस ऑफ फॉरेन मार्केट फॉर प्रोडक्ट अदर देन द प्राइस ऑफ सेम प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट और इन द थर्ड कंट्री मार्केट। इन सिंपल वर्ड इट इज सेलिंग एट लेस देन फेयर वैल्यू अंडर WTO डंपिंग प्रोहिबिटेड इफ इट कॉजेज अ थ्रेट टू कॉज इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट इन द इंपोर्टिंग कंट्री, अदरवाइज इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फला फला, ये जो होती है भी एंटी डंपिंग ड्यूटी,
बता रही होती है इनिशिएट द इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी. क्लियर हो गया क्या चीज है, यहां पर डायरेक्टली यही इंपोज कर रही होती है. तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट टुडेज लेक्चर. हम लोग बात करेंगे, एक हमारी और एक्स्ट्रा वीडियो आएगी, एक्स्ट्रा क्लास एक बची हुई है मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ज्वाइन करिए, अपने डाउट्स को रेज करिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.